इंसानी आज़ा की गैर कानूनी पैबंदकारी का इंकशाफ। बलाल नामी बच्चा है जिसका गुर्दा निकाला गया है। अख्तर अली ने थाने में कंप्लेंट की कि मेरे बेटे को अगवा करके उसका जबरदस्ती किसी ने गुर्दा निकाल दिया। सरकारी नौकरी का झांसा, गरीब नौजवान का गुर्दा निकाल लिया। कहाँ बुलाया? जनरल हॉस्पिटल। क्या बताया था, किस डिपार्टमेंट में, क्या नौकरी दिलवानी? उन्होंने कहा था इधर नैब का असर लगवा दूंगा। तो जनरल अस्पताल पहुंचे तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उधर से मुझे गाड़ी में बिठा के वो ले गए। क्या मकरूह धंधा करने वालों में डॉक्टर्स भी हैं शामिल? डॉक्टर्स ने पट्टी क्यों बांधी जब तुम्हें वापस भेजा? उन्हें सर पता नहीं, उन्होंने कहा था एक शर्त पे हम तुम्हें छोड़ के आएंगे, आपकी आंखों की पट्टी बांध। गुर्दे की पैबंदकारी, खतरनाक गैंग ने कितने पैसे लिए? तो उस औरत ने क्या कहा, कितने पैसे दे दो? तो वो भाई से बात हुई थी, भाई ने बताया कि एक औरत है इधर, वो करवाती है 32 लाख रुपया लेगी। 32 लाख रुपए? हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मेरा नाम आमिर डार है। गुर्दों की पैबंदकारी एक इंतहाई संगीन जुर्म है। इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बना रखी है, जहाँ ये गुर्दों की पैबंदकारी हो रही होती है वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये सब चीज़ें और ये जो गैर कानूनी गुर्दों की फ़रोख्त है, पैबंदकारी है, ये इस अथॉरिटी की नज़र से जो है वो बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक था काना के इलाके में वको होता है, जिसमें एक नौजवान लड़के को नौकरी का झांसा दिया जाता है और उसे कहीं नामालूम मुकाम पर लेके जाके उसका गुर्दा निकाल लिया जाता है। और वो तकरीबन 2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद घर पहुंचता है, तो उसके बाद इंकशाफ होता है कि उसके साथ ये सारा मामला हुआ है। इंसानी आज़ा का हो रहा है गैर कानूनी कारोबार, ऐसा कारोबार जो शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। टीम मुजरिम कौन एक ऐसी दास्तान आपके सामने ला रही है जो चौंका देने वाली है। कैसे सरकारी नौकरी का झांसा देकर खेला गया एक खतरनाक खेल, कैसे नौकरी से पहले मेडिकल करवाने के नाम पर नौजवान को जिंदगी भर की माजूरी दी गई, कैसे जनरल अस्पताल के ड्राइवर ने गरीब नौजवान को किया अगवा, लाहौर से इस्लामाबाद तक हो रहा है कौन सा गैर कानूनी धंधा, नौजवान को बेहोश करके खतरनाक गैंग ने कैसे किया इंसानी आज़ा का गैर कानूनी कारोबार, गरीब मजदूर को इस्लामाबाद ले जाकर कैसे उसका गुर्दा निकाला गया, क्या गुर्दा निकालने के लिए गरीब नौजवान को दी गई थी कोई लालच या फिर रकम, लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले गैंग में कौन कौन है शामिल, क्या डॉक्टरों ने इस्लामाबाद के किसी घर में बना रखा है गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर, कैसे लाहौर से शहरियों को अगवा करके उनके आजा किए जाते हैं फरोख, नौजवान को जब होश आया तो कैसे डॉक्टरों ने उसे भेजा लाहौर, क्या होश में आने से पहले नौजवान का गुर्दा निकाला जा चुका था, दुबई पलट शख्स ने गुर्दा खरीदने के लिए दिए थे कितने पैसे, लाजमी देखिए इंसानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख से जुड़ी चौंका देने वाली दास्तान, मुजरिम कौन। वो विक्टिम मेरे साथ मौजूद है जिसका गुर्दा निकाला गया, इसे अगवा किया गया, उसके बाद गैर कानूनी तौर पर गुर्दा निकाला गया, इसे झांसा दिया गया कि इसे नौकरी दी जाएगी और एक गाड़ी में बिठाया गया। गाड़ी में पहले से 2-3 लोग मौजूद थे, खातून भी थी जो मुबैना तौर पर लेडी हेल्थ वर्कर हैं, साबिका लेडी हेल्थ वर्कर हैं। उसके बाद इसे नहीं पता कि इसके साथ क्या होता है, इसे सिर्फ एक नशावर चीज़ पिलाई जाती है और उसके बाद इसे होश कब आता है, उस वक्त इसकी कंडीशन क्या थी, ये घर कैसे पहुंचा, कितने दिन बाद पहुंचा और क्या सारे ये मामलात हुए। बिलाल से हम बात करेंगे, बिलाल के वालिद भी मौजूद हैं, बिलाल के भाई भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम बिलाल से बात करते हैं। बिलाल, सबसे पहले तो मुझे बताओ तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, सेहत कैसी है? बस ठीक है। नहीं, पेंशन अभी भी है? हाँ जी। कितने दिन हो चुके हैं गुर्दा निकले? एक महीना हो गया गुर्दा निकले हुए। ठीक है, तो अभी भी पेन है? हाँ जी। अच्छा, तो डॉक्टर्स के पास जा रहे हो? गए अपना चेकअप के लिए। जी। बिलाल अभी भी तकलीफ में है, इस गरीब लड़के का निकाला गया है गुर्दा, कैसे शातिर मुलजिमान ने नौजवान को दिया था झांसा। बहुत सारे सवालात उठते हैं क्योंकि इससे पहले हमने
जो इस तरह के मामला देखे उसमें जो गुर्दा देने वाला होता है, जो डोनर होता है, उसकी रजामंदी शामिल होती है, तो क्या इस केस में भी जो डोनर है जिसका गुर्दा निकाला गया उसकी रजामंदी शामिल थी या उसे वाकई झांसा दे के और उसे बताए बगैर उसका गुर्दा निकाल लिया गया? ये सब हम पूछेंगे। मैं सब इस वक्त मेहदी काजमी साहब मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना काना के। काजमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये वकुआ क्या है, ये लड़का आपके पास एप्लीकेशन आती है घर वालों की तरफ से कि इनका लड़का मिसिंग है, पुलिस ने फिर क्या कार्रवाई की, कितने दिन बाद पता चलता है कि ये मामला हो चुका है उसके साथ? इसके वालद है अख्तर अली, बिलाल नामी बच्चा है जिसका गुर्दा निकाला गया है, उसका वालद है अख्तर अली। अख्तर अली ने थाने में कंप्लेंट की कि मेरे बेटे को अगवा करके उसका ज़बरदस्ती किसी ने गुर्दा निकाल लिया है। चूँकि बच्चे ने वापस ये 3-4 दिन मिसिंग रहे, उस वक्त किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की इसकी। अच्छा, ये खुद से ढूंढते रहे? खुद से ढूंढते रहे हैं। बच्चा काम करता था तो उन्होंने कहा कि शायद दोस्तों के साथ आगे पीछे हो गया होगा। लेकिन जब 4-5 दिन बाद वो ज़ख्मी घर पहुँचा है, मतलब उसको ऑपरेट हुआ हुआ था और बैंडेज हुई हुई थी, तो फिर उन्होंने शुरू पूछना शुरू किया, तो फिर इसने बताया कि मुझे 5 लोग किडनैप करके ले गए थे और उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा गुर्दा निकाल लिया। पुलिस को दरखास्त मौसूल हुई कि एक नौजवान को अगवा करके जबरदस्ती उसका गुर्दा निकाला गया है। नौजवान हालत तकलीफ में था। आखिर कैसे और कहां हुआ ये गैर कानूनी कारोबार? इस केस में जो मुलजिमान नामजद हैं उसमें से पुलिस ने एक मुलजिम नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही मुलजिम है जिसके भाई को गुर्दा बेचा गया और उसे गुर्दा लगाया भी गया। बिलाल का गुर्दा निकाला गया और इसके भाई को लगाया गया। मुलजिम से हम पूछेंगे कि ये डील कितने पैसों में हुई, कहाँ पे डील हुई, कब हुई, ये गुर्दा कब लगाया गया, निकाला किसने, लगाया किसने, लाहौर शहर में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, अभी तक कन्फ्यूजन चल रही है। तो मुलजिम से हम बात करते हैं। मुलजिम खुद भी एक सरकारी अस्पताल में, जनरल अस्पताल में ड्राइवर है। कब से ड्राइवर हो? 2013 से। इससे बिलाल से मुलाकात कब हुई थी, किसने करवाई थी? नदीम नामी शख्स और एक औरत है उसने। नदीम ने और वो जो लेडी हेल्थ वर्कर है, ये कब मुलाकात हुई थी? ये 5-6 माह पहले। 6 माह पहले मुलाकात हुई थी? हाँ जी। क्या बात हुई थी जब मुलाकात हुई थी? ये बड़े भाई से हुई थी बात इनकी। बड़े भाई से हुई? हाँ जी, वो भी बाहर रहते हैं, उनसे बात हुई थी। अच्छा, नहीं, बात क्या हुई थी? गुर्दे की बात हुई थी? हाँ जी, मैं तो एक साल से इधर पहले वॉश करवा रहा था जनरल। एक साल से वॉश करवाया। भाई बीमार है, भाई के गुर्दे फेल हो चुके हैं। हाँ जी। वो जो भाई दुबई में होते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान आ गए थे, गुर्दे वॉश हो रहे थे। हाँ जी। फिर नदीम ने कहा जी कि मैं गुर्दा लगवा देता हूँ। और एक औरत है, उसने कहा था, उसका गैंग है आगे। उसका आगे गैंग है पूरा। हाँ जी। सफाक मुलजिम इकरार कर रहा है कि गैर कानूनी कारोबार के पीछे एक खातून है मास्टरमाइंड। खातून शिकार ढूंढकर अपने गैंग के हवाले कर देती है। खतरनाक गैंग गैर कानूनी तौर पर आजा की पैवंदकारी करने के लिए शिकार पर कैसे डालता है अपना जाल? अब मुझे बताओ कि तुम्हें कौन लेके गया था? झांसा नौकरी का दिया था नदीम ने? नदीम दोस्त है? हाँ जी, नदीम मेरा दोस्त है, वो मुझे ले गया। नदीम था। क्या काम करता है? वो रिक्शा चलाता है। तुम खुद क्या काम करते हो? मैं मराठी का काम करता हूँ। अच्छा, तो नदीम कब से कह रहा था कि नौकरी तुम्हें मैं दिलवाऊंगा? 1-2 साल से हो गए। डेढ़ दो साल से क्या कहता था कि सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, सरकारी नौकरी लगवानी है। तो उस दिन तुम्हें उसने बताया कि चलो चलते हैं फलां जगह फलां नौकरी? मुझे बताया तो चलते हैं, उधर से फोन करके मुझे बुला के। उधर कहाँ बुलाया? जनरल हॉस्पिटल। जनरल अस्पताल। तो जनरल अस्पताल में नौकरी दिलवानी थी? हाँ जी। क्या बताया था, किस डिपार्टमेंट में क्या नौकरी दिलवानी है? उन्होंने कहा था इधर नायब का असर लगवा दूंगा आप। नायब का असर लगवा दूंगा। तो जनरल अस्पताल पहुंचे तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उधर से मुझे गाड़ी में बिठा के वो ले गए आगे। तो तुमने पूछा नहीं कि नौकरी यहाँ दिलवानी है जनरल अस्पताल में, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने मुझे कहा टेस्ट वगैरह करवाने आप नौकरी से पहले। हाँ जी। किस लिए कि टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं? हाँ जी। बिलाल का गुर्दा निकालने से पहले उसका मेडिकल चेकअप करवा लिया गया था। खून का क्रॉस मैच और दीगर जरूरी टेस्ट करवाने के बाद बिलाल बन चुका था खतरनाक गैंग का शिकार। पुलिस की तफ्तीश में कौन कौन था इस खतरनाक गैंग का मेंबर? नदीम ने उसे झांसा दिया बिलाल को नौकरी का, यहाँ से नौकरी का कह के लेके गया, जनरल अस्पताल बुलाया, वहाँ से फिर आगे नज़ीर जो गाड़ी चलाता है वो उस दिन भी गाड़ी चला रहा था, साथ में लेडी हेल्थ वर्कर ये भी थी। उसके बाद ये कहाँ पे लेके जाते हैं आगे, कौन कौन लोग? नज़ीर जो है ना, उसका भाई है शबीर।
शबीर, हाँ वो बाहर के मुल्क में है, वो दुबई में मुकीम है। एक्चुअली ये गुर्दा उसको ट्रांसप्लांट हुआ है। अच्छा, नज़ीर के भाई को? नज़ीर के भाई को ट्रांसप्लांट, गुर्दों का मसला था। हाँ अच्छा, उन्होंने उस वह वहाँ से बुलवा के तो इसका गुर्दा लगवाया, उसको उसे गुर्दा लगवाया जी। तो ये दोनों, चूँकि नज़ीर जो है वो बड़ी रेजिस्टेंस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे सही बात बताने पे उसके भाई को भी, वो भी मुल्ज़म बन रहा है, और वो जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स का ये कह रहा है कि खातून को पता है, उसने अरेंजमेंट करके दिया था, हम उसके पीछे लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जल्दी खातून भी पकड़ी जाएगी। सफाक मुल्ज़िम ने गरीब नौजवान का गुर्दा निकाल कर अपने दुबई पलट भाई को ट्रांसप्लांट करवाया है। तो उस औरत ने क्या कहा, कितने पैसे दे दो तो गुर्दा? भाई से बात हुई थी, भाई ने बताया कि एक औरत है इधर, वो करवाती है 32 लाख रुपया लेगी। 32 लाख रुपए? हाँ जी, तो मैं करवा दूंगी। अच्छा, उसके बाद फिर बिलाल से मुलाकात करवाई? बिलाल, वो औरत ही लेके आई थी, बिलाल को टेस्ट वगैरह उसने करवाए सारे। टेस्ट करवाए सारे? हाँ जी। जिना अस्पताल से? जिना हॉस्पिटल के सामने। वो टेस्ट में क्या था, उससे ये पता चल गया कि ये गुर्दा बिल्कुल सेहतमंद है, इसका लग सकता है? हाँ जी, इसके दोनों गुर्दे सही है, खून टेस्ट सही है इसका, कोई मसला नहीं है ब्लड में। बिलाल 19 रोज के बाद घर वापस आया था, उसके साथ क्या जुल्म हुआ था ये वही जानता था। कौन कौन से टेस्ट थे पता है? ये तो नहीं मुझे पता सर। तुम्हें फिर वहाँ से ले गए गाड़ी में बिठा के, गाड़ी में कौन कौन था? गाड़ी में नज़ीर था, उसका भाई, एक औरत थी। और नज़ीर कौन है? ये जनरल अस्पताल में काम करता है? हाँ जी। और एक औरत भी थी? हाँ जी। कहाँ पे लेके गए? वो मुझे लेके गए थे इधर के। कहाँ पे? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद ले गए? 3-4 घंटे तुम्हें होश थी बिल्कुल, के तुम्हें पता था इस्लामाबाद पहुँच गए? हाँ जी। अच्छा, फिर तुम्हें कोई नशावर कोई चीज़ कब पिलाई उन्होंने या नहीं पिलाई? उन्होंने मुझे थोड़ी देर जाते आगे गाड़ी में नशावर पिला दी इधर लाहौर में। हाँ जी। लाहौर से निकलते वक्त तो तुम्हें कैसे पता है कि इस्लामाबाद पहुँच गया? जब मैं उधर से, मुझे होश आई है तो मैंने डॉक्टरों से कहा ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया। जब तुम्हें होश आई तो उस वक्त मुझे ज़रा मंजर कशी करके बताओ, क्या था? कोई घर था, कोई कमरा था, अस्पताल था? कोठी टाइप था सर। बिलाल को जिस वक्त होश आया तब तक शातिर और सफाक गैंग उसका गुर्दा निकाल चुका था। बेबस बिलाल क्या करता, उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि वो कहां पर है। तो ये क्या बताता है, जनरल अस्पताल से इसे कहां पे लेके गए, क्या लाहौर शहर की हदूद में ये ऑपरेशन किया गया गैर कानूनी? ये तो कह रहा है कि मुझे उन्होंने कोई शरबत पिलाया जिससे मैं बेहोश हो गया हूँ गाड़ी में, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ ले गए हैं। लेकिन जो नज़ीर है वो कह रहा है कि शायद इसको हम ना आउट ऑफ लाहौर इन्होंने इस्लामाबाद ले गए थे, इस्लामाबाद से ऑपरेशन किया है। मुल्ज़िम ये कहता है कि इस्लामाबाद तक तो मैं साथ रहा हूँ, आगे सारे मामला खतून के इलम में है कि उसने कहाँ अरेंजमेंट किया है, क्योंकि मुझे वो साथ नहीं ले। नज़ीर इस्लामाबाद छोड़ने के बाद वापस आ गया था? नहीं, वो वहीं रहे। वहीं रहे? हाँ, वहीं पर रहे। जहाँ पे ऑपरेशन किया गया वहाँ पे भी मौजूद था या उस जगह? ये कहता है कि मुझे नहीं पता, उसका नहीं पता। हाँ अच्छा, वो खातून है? वो खातून अभी भी किसी सरकारी अस्पताल में काम करती हैं? मेरा ख्याल है कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना मैं, उसके मुताबिक वो फारिग हो चुकी है हॉस्पिटल से। अस्पताल से फारिग हो चुकी है? हाँ। आजकल वो यही काम कर रही है। वो यही काम कर रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा एक हेल्थ वर्कर थी। अब इस खातून का जरिया मुआश इस गैर इंसानी और गैर कानूनी कारोबार के साथ जुड़ा हुआ था। क्या ये सच है कि गरीब नौजवान को नौकरी का झांसा देकर उसका गुर्दा निकाला गया? तुम्हें कैसे पता चला गुर्दा निकल गया? मुझे उधर वो डॉक्टर वगैरह आया थी, उन्होंने कहा आपके साथ ये जुल्म हुआ है, गुर्दा निकाल दिया। डॉक्टर ने बताया कि आपके साथ जुल्म हुआ है? हाँ जी। डॉक्टर खुद मौजूद था या अमला मौजूद था? अमला ही मौजूद था सर। अमला मौजूद था? हाँ जी। तुम्हें कोई नाली शाली लगी हुई थी, कोई ड्रिप श्रिप लगी हुई थी? पेशाब की नाली लगी हुई थी। पेशाब की नाली लगी हुई थी? अच्छा, तो उस अमले ने यह भी बताया कि गुर्दा कब निकला और तुम्हें कितने दिन बाद होश आए? उन्होंने कहा कल तुम्हारा गुर्दा निकला और आज तुम्हें होश आ रही। कल गुर्दा निकला? हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद तुमने क्या किया, वहाँ से तुम भागे, घर रब्ता किया? फिर मैं उधर से उठा, उठ के मैंने उनको कहा कि मुझे छोड़ के आओ, मैं यहाँ पे कैसे आ गया। फिर उन्होंने मेरी आंखों को पट्टी बांध के मुझे अड्डे से बिठा दिया। और जो लोग तुम्हें लेके गए थे, नदीम, नज़ीर और वो खातून लेडी हेल्थ वर्कर, उनमें से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था? नहीं, कोई नहीं। तो उन डॉक्टर्स ने पट्टी क्यों बांधी जब तुम्हें वापस भेजा? उन्होंने सर पता नहीं, उन्होंने कहा था एक शर्त पे हम तुम्हें छोड़ के आएंगे, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के। जब उन्होंने
ये सिला रहमी की, तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा गुर्दा निकला है, तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हाँ, तो उसके बाद फिर आंखों पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए थी, जो तुम्हारे खैरख्वाह बन गए ना उस वक्त, आंखों पे पट्टी बांधी, कहाँ बिठाया तुम्हें? वो गाड़ी में बिठा गए, गाड़ी में बिठा दिया, लाहौर वाली गाड़ी में। हाँ जी। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मुलजमान ने मुतासिरा लड़के की आंखों पर पट्टी बांधी थी और उसको 3 से 4 दिन बाद लाहौर वापस छोड़ गए थे। मुलजमान का काम हो चुका था। क्या ये सब पैसों का मामला था? वो जो पैसे थे वो दे दिए गुर्दा निकालने से पहले? पहले किसे पैसे दिये? वो आगे इस्लामाबाद कुछ औरत ने लिए, कुछ वो इस्लामाबाद जो आगे आया था बंदा उसने, वो जो आगे डॉक्टर्स हैं, हाँ जी, वो अपनी गाड़ी पे इन दोनों को ले गए, भाई मेरे को और बिलाल को, हाँ, अपनी रजामंदी के साथ। कितने गुर्दे निकाले, एक के दो? एक ही। मुलजिम के बकौल उसने आधे पैसे खतरनाक गैंग की मास्टरमाइंड खातून को दे दिए थे और आधे डॉक्टर्स को। क्या इस गरीब का गुर्दा निकालने वाले जल्लाद सिर्फ डॉक्टर्स ने रचाई थी कोई साजिश? अब जाहिर है इस तरह का जो मामला है उसमें बड़ी भारी रकम इन्वॉल्व होती है। डेफिनेटली जाहिर है 50-60 लाख रुपए, 60 लाख से ज़्यादा भी रेट है गुर्दे का लाहौर में और पाकिस्तान में। तो ये जो पैसे जाहिर है कि निकाल लिए गए, अब जो नज़ीर का भाई है शबीर, उसे लगना था तो उसने यकीनन रकम की पेमेंट भी की होगी। अब वो पेमेंट कहाँ पे गई? इस बच्चे को जो विक्टिम है इसे को पैसे दिए गए क्यों? ये तो साफ इनकारी है कि हमें को पैसा ही नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि ये रजामंदी से ये सारा मामला हुआ या जो मिडल मैन था वो पैसे खा गया? देखिए इस पे दो रुख है इस पे। एक तो ये है कि रजामंदी शामिल हो सकती है, वो इसलिए कि जो इतने बेशक वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स तो हैं, वो इसमें किसी की जान जा सकती है। जाहिर है वो प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर हैं, जब तक किसी की कंसेंट शामिल नहीं होगी साथ, उसके बगैर तो एनेस्थीसिया भी नहीं देंगे, इतना बड़ा ऑपरेट कैसे करेंगे। तो अगर ये कंसेंट लिया गया है पेशेंट का, तो पेशेंट के जो करीबी लोग होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, वो कंसेंट लिख के देते हैं, वो उस फॉर्म पे दस्तखत करते हैं कि जी हम जिम्मेदार हैं। लेकिन बेशक वो कंसेंट से भी दे, फिर भी गैर कानूनी है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर्स ने खुद को बचाने के लिए नौजवान से लाजमन तहरीरी तौर पर नुकसान का जिम्मेदार होने का मुआहिदा लिखवा लिया होगा। सवाल ये है कि अगर गुर्दे का ट्रांसप्लांट गैर कानूनी नहीं था तो फिर इस्लामाबाद के एक घर के अंदर ये गैर कानूनी ऑपरेशन थिएटर मौजूद क्यों है? अब भाई को एक गुर्दा लगा है, हाँ जी। गुर्दा लगने से पहले 32 लाख रूपए दे दिए उस औरत को, हाँ जी, पहले दे। उसमें से बिलाल को कितने मिले? पता नहीं, ये उसने बीबी ने सारे पैसे बीबी के पास और वो इस्लामाबाद है उसके पास गए। वो कोई बाकायदा डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर्स हैं, कोई अस्पताल है या घर के अंदर ही बनाया? सर हमें नहीं, साथ नहीं हमें लेके गए, साथ नहीं लेके गए, पिंडी 12 कवारी रोड तक हम साथ गए, साथ गए थे। उसके बाद आगे कौन कौन गया था? कोई भी नहीं आगे, बस इसको और बिलाल और वो खातून गई थी? नहीं, खातून भी नहीं गई है, खातून भी नहीं गई, वो डॉक्टर्स आगे ले गए। हाँ जी, वो बंदा आया था एक, और भाई उसका नाम शौकत नाम का बंदा था, शौकत नाम का था। और भाई भाई भी साथ, भाई भी साथ। यानी वहीं बिलाल का गुर्दा निकाला गया, उसके बाद भाई को लगा दिया। हाँ जी। भाई का वापस आता है? हाँ जी, फिर 3 दिन बाद वो वापस, 3 दिन बाद आ गया। हाँ जी, दूसरे ऑपरेशन कामयाब हो गया। हाँ जी, दूसरे दिन बात करवा दी थी, दूसरे दिन बात करवा दी थी भाई से और बिलाल से, ये देख लें ठीक है दोनों ठीक है, कल वापस। अब भाई को गुर्दा लग गया, भाई ठीक है? हाँ जी। अब भाई कहाँ पे? भाई दुबई में होते हैं। मुलजमान ने पैसे खतरनाक गैंग की मास्टरमाइंड खातून को दे दिए थे जो करती थी इंसानी आजा की खरीदो फरोख्त का गैर कानूनी धंधा। मुलजिम जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैंने पैसे दिए हैं, वो कह रहा है मैंने 32 लाख दिए हैं, हो सकता है उसने पूरे ना दिए हो, कम दिए हो, बच्चे हैं, बातों में आ जाते हैं। जी सर, आपको लगता है कि कोई ऐसा मामला हुआ होगा? सर मुझे नहीं है यकीन इस बात का, मैं तो अलग, वो तो कहता है जी मैंने घर वालों को भी दिए हैं। अब पुलिस की तफ्तीश भी ये कह रही है, आपको देख के भी ये लग रहा है कि कम से कम आपने तो कोई डील नहीं की हो? नहीं, आप तक तो कोई पैसा नहीं पहुंचा? नहीं, सपोज साहब की तो मुझे पूछा नहीं, पहुंचा तो हो सकता है बच्चे से आपने जरा पूछा है घर में इत्माद में? बार बार पूछा सर, बार बार पूछा। ये कहता है कि मुझे पता है कोई आने टके की उम्मीद या कोई बात नहीं है, मैं जेब से 100 रुपया रोज का देता हूँ, तो मुझे यही वजह तो नहीं है कि उसे खर्चे का मामला था, खर्चा कम होता था, पास पैसे नहीं होते थे, तो इसने सोचा बातों में आ गया हो। नहीं सर, चलो 4 पैसे अच्छे मिल जाएंगे। काम तो कर रहा था, काम तो कहा, उसने बोला कि 10-12 तो किसी के दिल में भी आ सकते हैं। जी क्यों नहीं, 10-12 हज़ार की नौकरी करते तो मैं 25-30 हज़ार की नौकरी तो सरकारी दिला देता हूँ, वो उसमें आ गया, बस उसी में ये मार खा ले। बाप के मुताबिक बिलाल का गुर्दा निकालने वाले सफाक मुलजमान ने उन्हें कोई पैसे नहीं दिए। पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया?
जब ब्लड रिलेशन कॉन्सेंट देते हैं वो दस्तखत करती है उस फॉर्म पे, तो क्या इसका कोई भाई, कोई बाप या घर में से कोई किसी ने ये कॉन्सेंट दी होगी, या इसका कोई दोस्त, या वो भी जाली होगा? इसके बाप को देख के तो नहीं लगता कि वो अपने बेटे का जो गुर्दा है बेच सकता है। फौजी आदमी है, गरीब आदमी है, वो अभी भी इस उम्र में भी नौकरी कर रहा है। तो मेहनती आदमी है ना, इसका मतलब है। तो मेहनती आदमी तो अपने बेटे का, जवान बच्चा है ये, 22 साल का बच्चा है, वो इसका गुर्दा नहीं बेचेगा। अगर उसने बेचना है, कोई जरूरत है, तो वो अपना बेच लेगा, अपना बेच सकता है। हाँ। कितने पैसों के इफ्ज़ ये गुर्दा निकाला गया? मुल्ज़िम का कहना है, अभी मुबैना तौर पर वो कह रहा है कि मैंने 32 लाख रुपए हमने इनको दिया है। पुलिस के मुताबिक बाप बेटे का गुर्दा नहीं बेच सकता। इन लोगों की हालत देखकर भी ऐसा ही मालूम होता है कि इन्हें पैसे नहीं मिले होंगे। सफाक मुल्ज़िम इस ज़िम्न में क्या कहता है? गुर्दा निकलवाना, गुर्दा लगवाना, हुकूमत को बताए बगैर, किसी सरकारी अस्पताल में जाए बगैर, ये गैर कानूनी काम है। पैसों का गुर्दा सर, हम मजबूर थे भाई, वो मजबूर थे। हाँ जी, वो भाई तो दुबई में अपना काम करते हैं, मैं तो इधर पाकिस्तान में। अच्छा, भाई की जिंदगी बचाने के लिए किया। बिलाल, अब जिसका गुर्दा निकाला गया है वो ये कहता है कि मुझे तो 1 रुपया नहीं मिला, और वो कहता है कि मुझे नौकरी का चांस दिया गया। हमारे इनसे कोई बात ही नहीं हुई, ना बिलाल से, ना हम नौकरी का, ये सारा झूठ बोल रहा है। तुम कह तो रहे हो गुर्दा निकालने से पहले 2-3 दफा हमारे मुलाकात हुई है। हां, वो टेस्ट करवाते हैं, वो ही लेके आते रहे कि ये बंदा है। तो जब ये लेके आए थे, टेस्ट हो रहा था, तब नौकरी की बात हो रही थी, गुर्दा निकालने की, गुर्दा बेचने की, खरीदने की बात हो रही थी। पता था, इसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, ये खुद टेस्ट करवाता रहा, इधर से टेस्ट भी इसके हुए हैं। सिर्फ इसे पता ही, इसके घर वालों को भी पता? ये सर मुझे नहीं पता, ये नदीम को पता या इनको पता है, इसके घर वालों को पता है कि नहीं, वो नदीम ही लेके आता था। और तुम सच कह रहे हो या पुलिस झूठ बोल रही है? वो तो ये कह रही है कि महीना डेढ़ पुरानी बात है, तुम कह रहे हो 5-6 महीने पुरानी बात है। भाई को गुर्दा लग भी गया 5 महीने पहले, वो यहाँ से दुबई वापस भी चला गया। हाँ जी, 5-6 माह। अब ये 5-6 माह बाद ये मामला क्यों हुआ है? ये पता नहीं, इसको पैसे नहीं मेरा ख्याल दिए उन्होंने पूरे, तो ये बिलाल को पैसे नहीं मिले। हाँ जी, तो इसने पुलिस में केस कर दी। हाँ जी। अच्छा, और पैसे कौन खा गया? वो खातून खा गई? खातून, और नहीं, उसने खातून ने इसको दिए मेरा ख्याल नदीम को। नदीम को? नदीम को कितने पैसे मिले हैं? पता नहीं सर, मुझे नहीं, उन्होंने नदीम से उसके बाद रابطہ है? नहीं सर, मेरा नहीं, कोई बात कभी रابطہ नहीं हुआ खातून से। पहले भी ना मेरा रابطہ नदीम से पहले। नदीम ने क्या बताया था? ये खातून इसका पूरा गैंग है, ये कहाँ पे होती है? इस्लामाबाद होती है, लाहौर होती है? लाहौर के किस इलाके में होती है? ये इधर लाहौर में कहीं रहती है। कहाँ पे? सफाक मुल्ज़िम के मुताबिक उसके भाई ने इस घनावने जुर्म का मंसूबा बनाया था, और इसी भाई ने खतरनाक गैंग से किया था राबिता। बेटे का गुर्दा निकल जाने के बाद गरीब बाप क्या कहता है? आपके ख्याल में कौन कौन इसमें मुल्ज़िम आने? एक तो नदीम जो लेके गया। सर, बड़ा हमारा जो मुल्ज़िम है वो नदीम है। नदीम है। नहीं, आप नहीं समझते कि जो लेके गया वो खातून और वो डॉक्टर्स जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया, गैर कानूनी तौर पे इसका गुर्दा निकाला, वो सारे सर बात ये है, मुल्ज़िम वो बाद में बने, पहले नदीम मुल्ज़िम है जो लेके गया, उसने घर से अगवा उसने किया, इन्होंने नहीं, ये तो बाद में बने हैं ना, इनको जरूरत थी, इन्होंने तो कोई शिकार पकड़ा है, शिकार ले आओ उसने पट्टी पर लगाया, सरकारी मुलाजमत देते देते उधर गाड़ी में अल्लाह तेरी यारी करके रास्ते में जाके थोड़ी देर के बाद उन्होंने कुछ पिलाया, इसको बेहोश कर दिया। उधर पहुंचने के बाद जब इसको पता थोड़ा सा चलता है, तुझे बोलता है, तो उन्होंने फिर कुछ ना कुछ, आराम से बैठ जाओ, 4-5 आदमी साहब बहादुर, आप खुद सोच लें, ये बच्चा इतनी को किसी के वो सह सकता? जाहिर है वो मजामत तो कर नहीं सकता वो। हाँ जी, वो पागल हो गया, उसने कुछ पिलाया, उसको होश फिर ही आया है कि जब बोलता मुझे नाली लगी हुई थी तो मेरे पट्टी लगी। अब ज़रा बताएं, आप अस्पताल लेके जाते होंगे, ज़ाहिर इसका चेकअप चल रहा है, क्योंकि ये उसी कंडीशन में तो यहाँ पे आ गया जी सर, गुर्दा निकला उससे अगले दिन आ गया, तो अभी भी इसे डॉक्टर्स के चेकअप की ज़रूरत है, तो डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स क्या बताते हैं इसकी सेहत के बारे में? डॉक्टर साहब असी तो दवाई सिर्फ दे रहे हैं सर, मेडिसिन ले आलू के, तो बाकी जितनी साढ़े च दवाई आपको ये किसने बताई थी? डॉक्टर्स ने किस डॉक्टर? वही जड़ी उन्होंने दवाई दी, उन्हीं डॉक्टर ने दवाई भी साथ दी, दवाई दी थी, वही डब्बियां से ला जाने थे, वो दवाई ले आने। बिलाल के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि वो अपना इलाज करवा सके, वो तो उन्हीं सफाक मसीहाओं की दी हुई दवाई का इस्तेमाल कर रहा है जिन्होंने उसका गुर्दा चुराया है। पुलिस अब किन पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है? अगर कोई ऐसी कोई चीज दरमियान में है भी, तो या तो जो इसका दोस्त इसको साथ लेके जाने वाला है, या तो सारी डीलिंग इनके साथ उसने की है, इसको वैसे ही विक्टिम बना के। तो इसका मतलब है दो चीज़ें हो सकती हैं,
एक तो बाकी इस लड़के को नौकरी का झांसा दिया गया हो, इसे ना पता हो, वैसे भी दिखने में तो सीधा साधा ही लगता है कि उसे नौकरी का कह के और रास्ते में नशावर चीज़ पिलाई, वहाँ ले गए और गुर्दा निकाल लिया, इस तरह के मामला भी इस मुआशरे में होते हैं। दूसरा ये है कि पैसों की डील हुई हो कि तुम्हें हम पैसे देंगे, जितने भी पैसे, 2-4-5-10 लाख रुपये, लेकिन उसे पैसे नहीं पहुँचे अभी तक, उसे पैसे नहीं दिए गए। सर दस तो ऐसे ही लगता है, दोनों तरह तफ्तीश चल रही है, दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है जिस तरह आप कह रहे हैं कि दरमियान में कोई दोस्त है इस विक्टिम का, हो सकता है कि वो पैसे खा गया। जी बिल्कुल, ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं। तो अब आगे क्या कर रहे हैं? एक तो आपने पहली कामयाबी अपने नाम कर ली कि आपने नज़ीर को पकड़ लिया, जिसके भाई को गुर्दा लगा, जो ले के गया, जो ड्राइवर भी है। नदीम के पीछे आप जाहिर लगे होंगे, कब तक पकड़ा जाएगा? वो खातून खास तौर पर जो सरकारी अस्पताल, खातून जो है, जो खातून है वो बिल्कुल आप ये समझ लें कि हमारी रेंज में है, हमारी टीम बैठी हुई है, किसी वक्त भी इंशाल्लाह ताला हम उसको पकड़ लेंगे, उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जी तो आप सरे दस्त इस केस को खुद ही लेके चलेंगे या जो भी एक अथॉरिटी बनी हुई है होटा के नाम से, आप उन्हें भी शामिल करेंगे क्योंकि उनका काम है इस जब डॉक्टर्स को पकड़, डॉक्टर्स की निशानदेही हो जाएगी तो ये हमारे सीनियर फैसला करेंगे, या तो ये केस FIO को भिजवा देंगे या फिर उसके बाद उनको साथ शामिल करेंगे। जब डॉक्टर शामिल होता है फिर हम उनको शामिल करते हैं। पुलिस के मुताबिक पैसे मुतासरा शख्स को नहीं मिले। पुलिस की तफ्तीश में तो खतरनाक गैंग ने गरीब नौजवान को अगवा करके रचाई है ये साजिश। बेकस नौजवान का गुर्दा निकाल कर लाखों की दिहाड़ियां लगाई गईं। ऐसे सफाक मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगेबान।